अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ साहब का शागिर। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि आप सबको खैरियत और अपने अमान में रखें। दोस्तों, आज जो मैं अमल लेकर आया हूं, ये अमल पर्स का अमल है। मैं आपको एक सिंपल सा नक्श बनाकर दिखाऊंगा, आपने वो नक्श बनाकर अपने पर्स में रखना है। कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी खिलाने की ज़रूरत नहीं। चाहे आपका महबूब जहाँ भी हो, दुनिया के जिस भी कोने में हो, इस अमल से उसके दिल में इतनी मोहब्बत पैदा होगी, इतनी मोहब्बत पैदा होगी, वो खुद आपसे रब्ता करेगा। दोस्तों, ये कुरानी अमल है और आप सबको पता है कुरान पाक अल्लाह ताला ने अपने हाथ से लिखी है। कुरान पाक का हर एक लफ्ज़ तासीर रखता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप कुरान पाक का एक लफ्ज़ भी पढ़ें और वो अमल ना करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप जिसके भी दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, जिसके भी दिल में अपने लिए मोहब्बत की आग लगाना चाहते हैं, जिसको भी अपना दीवाना बनाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला सिर्फ 10 मिनट का अमल है, उसके दिल में इतनी मोहब्बत पैदा होगी, इतनी मोहब्बत पैदा होगी, वो खुद आपसे रابطہ करने पर मजबूर होगा। जब तक आपसे बात ना करे, जब तक आपसे मोहब्बत का इजहार ना करे, इंशाअल्लाह ताला उसे आराम और सुकून नहीं आएगा। याद रहे, बस आपने सिर्फ अर के गुलाब और मुश्क के ज़ाफ़रान से इस अमल को लिखना है। मैं आपको लिखकर बताता हूँ, आपने इसे अर के गुलाब और मुश्क के ज़ाफ़रान के साथ लिखना है। आपने रात के 12 बजे के बाद इस नक्श को बनाना है और उसके बाद आपने इसे बनाकर सिर्फ अपने पर्स में रखना है और फिर आप इसका कमाल देखें, यह आपकी ज़िंदगी बदल देगी इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, अब चलते हैं अमल की जानिब। दोस्तों, जैसे जैसे मैं नक्श बना रहा हूँ, आपने भी इसी तरह नक्श बनाना है। आपने याद रहे मुश्क ज़ाफ़रान और अर के गुलाब के स्याही से बनाना है, यानी उसे आपने मिक्स करके एक स्याही बनाकर आपने इसे लिखना है। इस तरह आपने खाने बनाना है और यहाँ पर आपने या बसीर दोस्तों, यहाँ पर ऊपर आपने या बसीरो या बसीरो या बसीरो या बसीरो 4 मरतबा या बसीरो लिखना है और ऊपर आपने 786 लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे एक और खाना बनाना है। नीचे दोस्तों आपने लिखना है या समीयो या समीयो या समीयो या समीयो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने एक और खाना बनाना है। याद रहे, ऐसे भी 4 खाने बनेंगे और ऐसे में भी 4 खाने बनेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे जैसे नक्श मैंने बनाया है, आपने सेम टू सेम खाने इसी तरह भरने हैं, इसी तरह लिखने हैं जो जो मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आपने 1-2, याद रहे इस दरमियान वाले खाने पर आपने फिलां बिन फिलां लिखना है। यानी आपने फिलां बिन फिलां नहीं लिखना, फिलां बिन फिलां मैं लिख रहा हूँ। आपने जिसके लिए भी ये नक्श बना रहे हैं, अपने महबूब का नाम और उसकी वालदा का नाम आपने यहाँ पे दरमियान में लिखना है
और बाकी खाने आपने इस तरह बंद कर देने हैं। दोस्तों इसे इस तरह फोल्ड करके आपने इसे नक्श को अपने पर्स में रखना है। जब तक ये नक्श आपके पर्स में होगा, आपके महबूब के दिल में आपके लिए इतनी मोहब्बत पैदा होगी, इतनी मोहब्बत पैदा होगी, इसकी कोई भी इंतहा नहीं होगी। वो खुद आपसे मिलने पर मजबूर होगा, खुद आपसे बात करने के लिए तड़पेगा, खुद आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगा एक खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।